Hello, everybody, and welcome to the Big Baatcheet Room, a show where integrity matters more than sensationalism. I'm your host, Sunny Moza. Ji haan, wahi Sunny Moza, jise sunte hi aap kehte hain ki aaj se yahan par Moza aa gaya, Moza. The topic that we'll be discussing today is the recent unrest in India. Now, were these protests organic or were they manufactured? Now, we'll not be talking the details of the laws themselves, but the reaction that they got. And to discuss that, I have with me a human rights activist. He was also a former mayor of a town in Pakistan. And of course, he's a very popular show on YouTube called Arif Ki Bhasha. If you haven't subscribed, I've posted the link in the description of this video as well. Go ahead and subscribe to his channel to get your views about South Asian politics as well. Now, without further ado, let's welcome the very likable and sometimes hated as well, Mr. Arif Aajakia ji. Arif ji, pranam, swagat, khushamadid, kaise hain aap? Namaste and thank you for inviting Sunny bhai. Sunny bhai, jab aapne kaha na ke main Kashmiri pandit hu, to jo pehla mujhe jo impression aaya na, wo ye aaya ke 100% literate. Kyunki main jab United Nations mein pehli baar gaya tha, to Professor Kashinath Pandita aaye the wahan pe. उस वक्त जो जेनोसाइड हुआ था और कश्मीरी माइग्रेशन हुई थी पंडितों की जो जी 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 तो उन्होंने जो मुझे बताया तो मुझे पता चला कि ये वो कम्युनिटी है जो हाईली एजुकेटेड है और सबसे शरीफ लोग हैं जब भी उनको शायद अपने घर छोड़ के जाना पड़ा शरीफों के साथ ही ऐसा होता है एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि आप देखिए कश्मीरियों को निकाल दिया गया 90 में कश्मीर से लेकिन फिर भी वो जहां पर भी गए सेटल हो गए पढ़ाई-वढ़ाई करके सेटल होके बस गए वहां पर कुछ ऐसा कंप्लेंट नहीं करते रह गए कि भाई हमें तो मिला नहीं बोलते रहे लेकिन अपना काम करते गए तो जी हां मोहब्बत वाले लोग हैं मैं तो पंडिता साहब के साथ मैंने कई साल फिर वहां पर काम किया यूनाइटेड नेशंस में एंड पता चला कि वाकई बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं पता नहीं मोहब्बत करने वाले लोगों को भी जालिमों ने निकाल दिया अब किस्मत की बात है जो हुआ सो हुआ तो अरे भाई आज बिफोर वी बिगिन इफ यू कैन टेल आवर ऑडियंस लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड सो दैट दे नो उसके बाद हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि कैसे आपने अपना करियर पाकिस्तान में शुरू किया अबाउट योर एक्टिविज्म थोड़ा सा बताइए प्लीज मेरे पेरेंट्स जूनागढ़ इंडिया में पैदा हुए मेमन फैमिली में गुजराती बैकग्राउंड हमारा था लेकिन 47 में फिर जब दंगे शुरू हुए तो माइग्रेट कर गए कराची रास्ते में लुटते पुटाते पहुंचे कराची खाली हाथ दादा हमारे मेरे वालिद उस वक्त 11-12 साल के थे तो झोंपड़ी में अपना सफर शुरू किया जिंदगी का वालिद ने और फिर मैं कराची में पैदा हुआ बचपन थोड़ा सऊदी अरब में गुजरा वालिद सऊदी अरब में जॉब करते थे तो थोड़ा सऊदी अरब में गुजरा थोड़ा कराची में गुजरा 19 साल की उम्र में बैंक ऑफ टोक्यो कराची से अपना कैरियर शुरू किया 20 साल की उम्र में मैं सऊदी अरब मूव हो गया वालिद साहब के पास और रियाद बैंक में जॉब की फिर 3 साल वहां पे जॉब करने के बाद दुबई मूव हो गया वहां पे नेशनल बैंक ऑफ शारजा में जॉब की और 90 में मैंने फैसला किया कि क्योंकि मैं हमेशा से आउट स्पोकन रहा हूं तो मेरे घर वालों को मेरी फिक्र होती थी कि पाकिस्तान एक ब्रूटल सोसाइटी है यहां पे सच बोलना या सच्चाई पे कायम रहना बड़ा मुश्किल रहता है तो वो मुझे यही कहते थे वापस नहीं आना तो मैंने फिर फैसला किया कि वेस्ट की तरफ निकला जाए क्योंकि सऊदी अरब दुबई में आपको इकामा तो मिलता है नेशनलिटी नहीं मिलती यू हैव टू गो बैक तो ये सोच के मैं यूरोप की तरफ आया बेल्जियम में मैं रहा 20 साल अच्छा और बेल्जियम में जाहिर है फ्रेंच लैंग्वेज थी तो मेरी जो थोड़ी बहुत तालीम थी वो जीरो हो गई तो लेबर जॉब से अपना काम शुरू किया फिर कराची में मुहाजिरों पे जब जुल्म होने लगा और 92 में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ तो मुहाजिरों की जो मुहाजिर वो हैं जिन्होंने भारत को तोड़ा उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया यूपी बिहार सीपी गुजरात इधर से इन्होंने फिर माइग्रेट किया था ना पाकिस्तान वो मुहाजिर हैं तो मुहाजिरों की जमात एमक्यूएम थी उन्होंने मुझसे रابطہ किया बेल्जियम में कि आप यहाँ पे सेटल्ड हैं आप भी कराची आइट हैं और आप हमारे लिए आवाज उठाएं हमारे लोग मर रहे हैं और आर्मी उनको मार रही है जी। तो मैंने यूरोपियन पार्लियामेंट ब्रसल्स और यूनाइटेड नेशंस जिनीवा में एमक्यूएम की और मुहाजिरों के लिए केस लड़ना शुरू किया 94 से ठीक है वो
2018 तक मैं लड़ता रहा, लेकिन फिर आर्मी ने 2016-17 में आके एमक्यूएम के इतने ग्रुप बना दिए आईएसआई ने, क्योंकि एमक्यूएम के जितने लोग कराची में थे उनको इकवा करके, मार कुटाई करके, ब्लैकमेल करके, जिस तरह भी कर सकते थे, अपने कई ग्रुप बनाए जो इनकी अम्ब्रेला के अंडर में काम करते हैं। तो मैंने फिर मुनासिब समझा कि व्हाई डोंट आई टेक एवरी इशू ऑफ पाकिस्तान, लाइक बलोच इशू, पख्तून इशू, सिंधीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। वेरी रिसेंटली आके 2019 की एंड में मेरी रियलाइजेशन हुई कि मैं 70 साल से तो पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं हजारों साल से इंडियन हूँ। और मुझे शर्मिंदगी बड़ी हुई जब मैं यहाँ पे लंदन में ही एक दुकान पे गया तो उसने मुझसे सवाल किया, उसने कहा कि आर यू इंडियन, तो मैंने कहा नो आई एम पाकिस्तानी। मैंने कहा एंड यू, कहते यस आई एम इंडियन। मैंने कहा कहाँ से, तो कहते हैं वेल मैं तो तांजानिया में पैदा हुआ हूँ, दारुसलाम में, और कई सेंचुरीज पहले हमारे लोगों ने माइग्रेट किया था इंडिया से तांजानिया। सोचने लगा, मैंने कहा कई सेंचुरीज पहले इन्होंने तांजानिया मूव कर लिया था, फिर भी अपने आप को इंडियन कहते हैं, और हम खाली 70 साल पहले गए तो हम अपने आप को इंडियन नहीं कहते। तो वहां से मेरी रियलाइजेशन हुई कि नहीं, मैं इंडियन ओरिजिन हूँ, पाकिस्तान ओरिजिन नहीं हूँ। पाकिस्तान तो एक साजिश के तहत बनाया गया कंट्री है। तो दिस इज माय जर्नी। तो मैं फिर अपने ओरिजिन की तरफ आया, मेरा डीएनए इंडियन था, तो फिर मैंने इंडियन इश्यूज को भी देखना शुरू किया और स्टडी करना शुरू किया, और फिर मुझे अंदाजा हुआ कि भारत के खिलाफ तो बहुत ज्यादा ही साजिशें हो रही हैं। तो अब मैं इंडिया पाकिस्तान दोनों के इश्यूज पे ये सोशल मीडिया के जरिए बोलता हूँ, यूनाइटेड नेशंस जाता हूँ तो वहां पे भी कोशिश करता हूँ कि जो मेरा इनपुट है वो मैं दे सकूँ। नहीं, बहुत अच्छा। आई थिंक यू आर यूजिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड द वॉइस दैट यू हैव रियली वेल, ताकि लोग सुने उस बात को। तो मुद्दे की बात करते हैं जिसके लिए हमने आज ये वाला शो रखा है, कि अभी इंडिया में रिसेंटली काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, काफ़ी अनरेस्ट हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सच में लोगों में गुस्सा है या फिर लोगों में गुस्सा बनाया जा रहा है और इसका गोल कुछ और है? देखें, मैंने इस पे बड़ा स्टडी किया है, काफी अरसे से स्टडी कर रहा हूँ, खास तौर पे जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तब से मैं स्टडी कर रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि डेमोक्रेसी है ना, उसमें सिंपल रूल होता है कि जो मेजोरिटी वोट लेता है उसकी बात सुनी जाए। मसला ये है कि भारत में एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चलती रही है 1947 से 2014 तक, और जो मेजोरिटी हैं 84% जो है वो हिंदूज हैं, इनको हमेशा बलि का बकरा बनाया गया है। राइट सारे ये समझे कि माइनॉरिटीज के थे। अब पहला सवाल तो ये होता है कि आपके भारत में माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया है, माइनॉरिटीज को प्रोविजंस मिलते हैं, इनको मुख्तलिफ सहूलतें मिलती हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड होते हुए मेरी रीडिंग ये है कि माइनॉरिटी एग्जिस्ट वहां करती है जहां पे स्टेट का कोई रिलीजन हो। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का स्टेट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वहां पे तो रिलीजियस माइनॉरिटीज बनता है, लेकिन भारत का तो स्टेट रिलीजन नहीं है, सेक्युलर है, तो सेक्युलर में तो फिर माइनॉरिटी मेजोरिटी नहीं होता। तो यहाँ पे एक बड़ा गलत उसूल शुरू से चलाया गया है कि फैसिलिटीज माइनॉरिटीज की दे रहे हैं, इंजॉय सारा वो मेजोरिटी का कर रहे हैं। जब ईद आती है, जब रमजान आती है तो मस्जिदों को सब्सिडी दी जाती है, जब हज हाउस बनाना होता है तो 100 करोड़ रुपया केरला गवर्नमेंट देती है, लेकिन जब मंदिर बनाने की बात आती है तो वो कहते हैं नहीं, मंदिर तो हम नहीं बनाएंगे। 17 बार सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, और हम पाकिस्तानियों को बचपन से ये पाठ पढ़ाया गया कि हमने 17 बार सोमनाथ का मंदिर तोड़ा महमूद गजनवी ने। मेरी नजर में महमूद गजनवी मेरा हीरो होता था। अच्छा। लेकिन जब मुझे पता चला यूरोप में आके कि सोमनाथ मेरे पुरखों के गांव से कुछ किलोमीटर दूर था, तो मैं बैठ के सोचता रहा कि जो 50,000 आदमी महमूद गजनवी ने मारे थे सोमनाथ में, उसमें मेरे पुरखों के लोग भी मारे गए होंगे, जो हजारों औरतों को और बच्चों को गुलाम बना के उसने गजनी दमिश्क बाजारों में बेचा, उसमें मेरे पुरखों के लोग होंगे।
तो मुझे अपने आप एक गिल्ट अंदर से आने लगी। मैंने कहा मैं किस आदमी को अपना हीरो मानता था जिसने मेरे पुरखों को बर्बाद किया, जिसने मेरे पुरखों के मंदिर को तोड़ा। जब वो मंदिर बनाने का वक्त आया आजादी के बाद 1947 के बाद, और सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के पास गए कि भाई मुझे ये मंदिर बनाना है, तो गांधी जी ने कहा कि बहुत अच्छा आइडिया है लेकिन आम हिंदू को हिंदुस्तानियों से पैसे लेना, सरकार का पैसा नहीं खर्च करना। लेकिन बात आती है मस्जिद बनाने की, हज हाउस बनाने की, तो फिर सरकारी टैक्स पेयर का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा किसका है? 84% हिंदुओं का। तो ये जो नाइंसाफी भारत में एक अपीजमेंट की चल रही थी उसको, उस स्टेटस को तोड़ा इस करंट सरकार ने, जिसको हिंदुत्व और हिंदू एक्सट्रीमिज्म का नाम दिया। यानी जब आप अपने राइट्स की बात करें तो आप एक्सट्रीमिस्ट हो गए। अगर आपको एक्सट्रीमिज्म देखना है तो देखें पाकिस्तान में, आपको इसकी जिंदा मिसाल मिलेगी कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म होता क्या है। तो मैं समझता हूं कि भारत में ये जो ओपोजिशन, ये जो प्रोटेस्ट की जो पॉलिटिक्स है ना, उसके इंटरनेशनल डांडे भी मिलते हैं। देखें हमें इस चीज को ये समझना होगा कि भारत एक पोटेंशियल सुपर पावर रही है। हिस्ट्री के हिसाब से आप देखें तो माया, इंका सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन सब आर्कियोलॉजी में दफन है। सिर्फ एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन है जो जिंदा है, मौजूद है, जिसके 100 करोड़ मानने वाले लोग आज मौजूद हैं, वो है इंडियन सिविलाइजेशन। इसके अंदर शुरू से एक पोटेंशियल था सुपर पावर बनने का, शायद इसीलिए 47 में इसके टुकड़े किए गए और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान बनाए गए, कश्मीर और दीगर कई ऐसे आउटस्टैंडिंग इश्यूज छोड़े गए ताकि ये बिजी रहें इसी चीज में। अब ये सरकार जो आई है इसने एक नया काम शुरू किया है, इसने भारत के उस पोटेंशियल को अचीव करने की ठानी है कि भारत एक सुपर पावर रही है। और कुदरत ने शायद ये मौका कोविड में खुल के सामने आ गया कि जब दुनिया को बर्बाद करने वाली चीजें बनाते थे चाइना, रशिया, यूरोप, अमेरिका, हथियार, एटम बम, ये बम, वो बम, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने की जो वैक्सीन है वो भारत बना रही है। वो वैक्सीन जिसके लिए यूरोपियन ममालिक आपस में लड़ रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस कह रही है कि डेवलप्ड वर्ल्ड सारी वैक्सीन अपने लिए रिजर्व कर रही है और गरीब मुल्कों को नहीं दे रही, तो वहां पे भारत गरीब मुल्कों को मुफ्त में वैक्सीन भेज रहा है। डोमिनिकन रिपब्लिक का सदर कहता है कि मैं गॉड से प्रे कर रहा था कि हमारी मदद कर, तो मोदी ने हमें वैक्सीन फ्री भेजी, मुझे यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। उसके ऊपर भी एक्चुअली आरिफ है, उसके ऊपर भी काफी मैंने मीडिया में सुना है कि अब कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि अरे इंडिया वहां क्यों भेज रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं कर रहा। तो आई थिंक कुछ लोग कभी खुश नहीं रह सकते, चाहे आप अच्छा काम करें या बुरा काम करें, उसमें भी काफी पॉलिटिक्स चल रही है। कल यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है, WHO के डायरेक्टर ने कहा है कि 60 मुल्कों को भारत दे रहे, 60 कंट्रीज को। शिकवा करना है तो अमेरिका का करें, द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ने एक मुल्क को नहीं दी, किसी को नहीं दी, तो भारत भी दे रहा है। तो ये जो चीजें हुई ना, तो फिर एक इंटरनेशनल साजिश होने लगी। दूसरा, इस सरकार ने काम किया कि पहले भारत है ना अपनी डिफेंस की जो चीजें थी वो हर चीज बाहर से मंगवाता था, पिस्टल आ रही है, राइफल आ रही है, हेलमेट आ रहे हैं, ब्लड प्रूफ जैकेट्स आ रही हैं। इस सरकार ने कहा ये इसलिए बाहर से आ रही थी कि किकबैक्स बन रही थी, ये हम खुद बना सकते हैं, हमारे पास इतनी क्वालिटी है। इन्होंने ज्यादातर चीजें लोकल प्रोडक्शन शुरू की। फिर मिसाइल जो है पहले खाली लोकल बनते थे अपने इस्तेमाल के लिए, उसको बेचना शुरू किया, फिर टैंक बेचने शुरू किए, फिर एंटी सबमरीन मिसाइल एयरक्राफ्ट्स। जब इन सब चीजों की बारी आई तो इंटरनेशनल पावर्स को खलबली मचने लगी। तो आज आप टूल किट और जो चीजें देख रहे हैं वो साबित कर रहा है कि भारत के खिलाफ एक इंटरनेशनल एजेंडा के तहत साजिश हो रही है। इसलिए कि पाकिस्तान में 1971 से बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन कर रही है, मोर देन 100,000 बलोच हैव बीन किल्ड इन लास्ट 50 इयर्स। एक ग्रिटा, एक रियाना, एक मियां खलीफा नहीं बोल रही उस पे। जी, भारत में फार्मर्स मसाज मशीनों पे मसाज करवा रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं।
समझ में नहीं आता क्या कि पाकिस्तान की रिलीजियस माइनॉरिटीज का यह हाल है कि हजार लड़कियां साल की इगवा होती हैं, हिंदू और क्रिश्चियन और सिख लड़कियां कन्वर्ट होती हैं बाय फोर्स और सारी जिंदगी के लिए सेक्स स्लेव बन जाती हैं जो उनको अगवा करता है। उसके बारे में कोई कैनेडियन पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो रहा, कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो रहा। किसके लिए हो रहा है? भारत के फार्मर्स के प्रोटेस्ट के लिए। अगर भारत के फार्मर्स का जो बिल है इतना ही अगर खराब है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा? वहां पे खेती नहीं हो रही, मध्य प्रदेश में नहीं हो रही, बंगाल में नहीं हो रही, तमिलनाडु में नहीं हो रही, कर्नाटका में नहीं हो रही, कहीं पे भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, सिर्फ पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे। तो ये एक लगीबंदी साजिश है जो प्रोटेस्ट के हवाले से आपने से सवाल किया कि ये प्रोटेस्ट आर्टिफिशियल है। वरना मैं भी यूनाइटेड नेशंस में जाता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि प्रोटेस्ट इज योर राइट, आप हक है प्रोटेस्ट करना अगर आपको कोई बात बुरी लगती है। लेकिन ये तो रायट्स है, झंडा लहराना, उसमें खालिस्तान बीच में घुसाना, ये सब तो किसके एजेंडे हैं? ये सामने नजर आ रहा है। तो बेसिकली आप क्या कह रहे हैं कि अगर किसानों का कोई पॉइंट भी है वो बेसिकली हाईजैक हो चुका है ये बाकी पॉलिटिकल इश्यूज से, बीच में खालिस्तान आ चुका है, बीच में इंटरनेशनल पावर्स आ चुकी हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि प्रोटेस्ट तो हर डेमोक्रेसी में होता है, हर जगह होता है। इनफैक्ट कोर्ट ने दिशा रवि को भी बेल दे दी है, उसने कहा कि दिशा रवि ने कोई क्रिमिनल चीज नहीं की है, क्योंकि किसी सरकार के खिलाफ बोलना या ऑर्गेनाइज करना कोई गलत बात नहीं है। तो आपको लगता है कि ये दो चीजें मिक्स हो रही है कि हाँ सच में भी इश्यूज हैं किसानों के, लाइक कुछ उनके ग्रीवियंसेस हैं, लेकिन उसको हाईजैक कर लिया गया है, इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू से? जी मैं समझता हूँ कि अगर पहले तो हम आते हैं कि फार्मर्स बिल, तो फार्मर्स बिल पे जैसे मैंने कहा कि बाकी भारत में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। दूसरी चीज ये है कि अगर आप इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देख लें कांग्रेस का, आप पार्टी का या दीगर जितनी भी पार्टियां हैं, तो वो जो फार्मर्स बिल जो आया है वो सारी चीजें उनके भी मैनिफेस्टो का हिस्सा थे। ये भी अरसे से आवाम को लॉलीपॉप दे रहे थे कि अगर हम गवर्नमेंट में आए तो हम ये रिफॉर्म्स लाएंगे। आज वो रिफॉर्म्स आई हैं तो जस्ट बिकॉज कि आपको अपोज करना है करंट सरकार को तो उसको अपोज कर रहे हैं। फार्मर्स बिल में ऐसी क्या खराबी है ये अब तक कोई फार्मर आके बता नहीं सका है। आड़तियों को बीच में निकाला गया है, दलालों को जो बीच में दलाली के लायंस शेयर जो होता था, वरना आप मुझे ये बताएं कि फार्मर्स की कितनी सुसाइड होती थी इंडिया में, एक अलार्मिंग फिगर थी। वो इसीलिए थी कि बीच में जो दलाल और आड़ती हैं, आज जो फार्मर्स प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसके जो ठेकेदार हैं, उनकी जो ट्रैक्टर लेके आए हैं, ये सब करोड़पति अरबपति लोग हैं, कोई गरीब फार्मर आपको नहीं मिलेगा। तो फार्मर्स बिल एक्चुअली गलत नहीं है, पहली बात तो ये, क्योंकि कोई फार्मर इसको वो नहीं कर सका साबित कि भाई ये गलत है। दूसरा ये है कि खालिस्तान बीच में कहां से आ गया? मसला पूरे इंडिया के फार्मर्स का है, तो खालिस्तान कहां से आ गया? कहते हैं जी हमने लाल किले के ऊपर खालिस्तान का झंडा नहीं लगाया, निशान साहब का झंडा लगाया। तो भाई साहब कल को मुसलमान कहेगा कि हम भी लगाएंगे अपना इस्लाम का झंडा वहां पे। वो जो लाल किला है वो सिग्निफिकेंट है, आपको हर पाकिस्तानी ये दुआ करता हुआ मिलेगा कि एक दिन हमारा झंडा हम लाल किले पे लहराएंगे। तो आप किसी दीन का किसी धर्म का वहां पे नहीं लगा सकते। कल को हिंदू भी कहेगा कि भाई हम भी अपना सफरान वहां पे लगाएंगे, फिर जी फिर तो सबको मजे मिल जाएंगे। तो ये चीजें किसका एजेंडा है? फार्मर्स अगर एजेंडा है भी तो वहां पे निशान साहब लगाने का क्या तुक है? ये आपने बिल्कुल सही कहा, भारत के एक आइकॉनिक जगह को क्यों वो कर रहे हैं? तो ये सब चीजें, फिर आपके जो वेस्ट में रैलियां निकल रही हैं आपके अमेरिका में, वो कौन निकाल रहा है? खालिस्तान, जस्टिस फॉर सिख, ये क्या है जस्टिस फॉर सिख? ये पन्नू क्या है? तो ये सब चीजें नजर आ रही हैं कि किसका एजेंडा है। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें बताया गया है विद आर्गुमेंट्स और सम प्रूफ्स कि फवाद चौधरी पाकिस्तान का मिनिस्टर खालिस्तानियों के साथ बाकायदा राब्ते में है और इनको डील कर रहा है। अच्छा, ये क्या है जस्टिस फॉर सिख? तो ये बताइए मुझे आरिफ भाई कि लाल किले वाला किस्सा तो मैं टोटली मानता हूँ, क्योंकि अगर कोई किसान
अपनी ग्रीवेंसेस रखना भी चाहता है वो कभी भी लाल किले पे हमला नहीं करेगा, लाइक अपने ही देश पे अपने पांव पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा वो, तो डेफिनेटली। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो मीडिया है वो स्टोरी को ट्विस्ट करके एक अलग नैरेटिव देता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हम जैसे हैं, जो किसान नहीं है, मिडिल क्लास लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो आपको लगता है कि जो रोल ऑफ मीडिया है उनका नैरेटिव बदलने में, वो भी कहीं इंटरनेशनल तरीके से ही आ रहा है? देखिए, भारत का जो मीडिया है ना, मेनस्ट्रीम मीडिया, उसका कंट्रोल ज्यादातर लेफ्ट की पार्टियों के पास है जी, और ये सरकार राइट की है जी। तो आपको देखना होगा कि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इनके जो हिसाब किताब है तो वो एंटी करंट सरकार पॉलिसी को रखते हुए अक्सर लाइन क्रॉस करके एंटी भारत हो जाते हैं। आपको ये चीज याद रखना होगी कि पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में, आप एक पॉलिटिकल पार्टी को तो अपोज कर सकते हैं, उसके खिलाफ भी एक लिमिट की हद तक आप अपोजिशन कर सकते हैं, लेकिन आप नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज पे सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, भाई इसकी मामूली मिसाल है कि आपके केजरीवाल साहब हैं जी, जब माइग्रेंट्स का मसला आया था तो उन्होंने एक दाना खाने का उनको नहीं दिया, लेकिन कह रहे हैं हम इन प्रोटेस्टर्स को वो खाना देंगे। तो ये सब चीजें क्या हैं, जबकि केजरीवाल साहब पिछले इस इलेक्शन से पहले अपनी तकरीरों में खुद कहते थे कि मैं अगर सरकार बनाई मैंने तो मैं ये रिफॉर्म्स लेके आऊंगा। आज वो उन्हीं रिफॉर्म्स को अपोज कर रहे हैं जिसका प्रॉमिस ये खुद कर रहे थे, कांग्रेस जिसको प्रॉमिस कर रही थी। देखें, आपका मीडिया है ना, उसका बड़ा नेगेटिव रोल है। काफी बड़े हाउसेस की मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने एक गलत नैरेटिव बिल्ड किया है। भारत की जो सरकारें रही हैं पीछे, उनका बड़ा गठजोड़ रहा है मीडिया के साथ, बॉलीवुड के साथ, लेफ्ट। अब आप देखें, जावेद अख्तर टाइप के लोग हैं जो पब्लिक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, जो अपनी शायरी के जरिए, अपनी बातों के जरिए, अपनी फिल्मों के जरिए, वो बड़ा एक सिस्टमेटिक तरीके से हिंदुओं को हमेशा दबा कर रखा गया। आज हिंदू जागा है तो कोई ना कोई तरीके से, कोई फार्मर्स बिल के तौर पे, अब शाहीन बाग क्या था, सिटीजन अमेंडमेंट क्या एक्ट क्या था, उस पर कोई एतराज बनता ही नहीं है। वो कई महीनों तक दिल्ली को हाईजेक किया हुआ था इन्होंने, तो इनको कोई ना कोई चीज चाहिए। अब कल को एनसीआर आएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आएगा, एनपीआर, अगर वो आएगा तो आप अमेरिका में रहते हैं, आप मुझे ये बताएं कि आप बाहर घर से निकलते हैं, मैं जैसे यहाँ से निकलता हूँ लंदन में अपने घर से बाहर, अपना बटुआ घर पे भूल जाता हूँ, मुझे पुलिस वाला रोक के पूछता है, हाँ भाई आईडी कार्ड, मैं कहता हूँ नहीं सॉरी घर पे भूल गया हूँ, कहेगा नाम बताओ, मैं अपना पूरा नाम बताऊंगा, डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा, उसके कंप्यूटर पे मेरी फोटो भी आ जाएगी और मेरी पूरी फाइल आ जाएगी, दिस इज एनपीआर। लेकिन आपका मीडिया कह रहा है एनपीआर नहीं, कागज नहीं दिखाएंगे हम। अरे भाई, बनाना रिपब्लिक में ऐसे होता है कि कागज नहीं दिखाएंगे, क्या स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि उसको पता होना चाहिए? तो कल आप एनपीआर लाएंगे, उसपे भी आप देखना ऑपोजिशन होगी, उसपे भी हंगामे होंगे, इसपे भी सब कुछ होगा। अरे भाई, एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैंने बहुत साल पहले यहाँ एक सिटीजन पुलिस अकेडमी क्लास होती है जो सिटीजन को काइंड ऑफ अवेयर करती है, तो मैंने 12 हफ्ते की वो क्लास ली थी। तो उसमें एक सेशन में मैंने पुलिस वाले के साथ राइड भी किया था, लाइक आप पूरा दिन उसका स्पेंड कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा वही हुआ था एक्चुअली। तो हम राइड कर रहे थे, अचानक जो हमारे आगे गाड़ी थी उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं थी, तो मुझे कॉप ने कहा इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसको हम पुल ओवर करके देखते हैं कि क्या किस्सा है। तो उसको पुल ओवर किया, तो वो एक स्पैनिश आदमी निकला जिसको इंग्लिश नहीं बोल पाता था। उसको बोला गया पेपर दिखाओ, लाइक आईडी कार का, उसके पास कुछ नहीं था। तो जैसे आपने कहा, क्योंकि उसका कुछ नहीं था और जो ऑफिसर था उससे बात नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम, उसको उसी वक्त हमें जेल नहीं होल्डिंग सेल में लेना पड़ा। वहां जाके उसका पूरा पेपर वर्क करना पड़ा जस्ट बिकॉज उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं थी, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन होना बड़ा जरूरी है। इनफैक्ट यहाँ पर भी अमेरिका में भी वही चल रहा है कि यार अगर तुम्हें वोट देना है तो एक आईडी होना जरूरी है, वरना कोई भी मुंह उठा के वोट तो नहीं दे सकता। लेकिन जो नैरेटिव फैलाया गया सीए के टाइम पे इज कि मुसलमानों को यहां से निकाला जाएगा, हालांकि उस बिल में किसी भी इंडियन सिटीजन पे इम्पैक्ट था ही नहीं। लेकिन अगेन गोइंग बैक टू द रोल ऑफ मीडिया, एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि वही मुसलमान, इंडिया के मुसलमान खतरे में। तो आपको क्या लगता है कि जो बाकी लोग जुड़ जाते हैं ऐसे नैरेटिव में, उनको क्या फायदा है इससे, लाइक क्यों क्यों करते हैं ऐसा? वो वेस्टर्न इंटरेस्ट प्रिवेल्स,
वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। ये सरकार बहुत सारे लोगों के लिए खतरा है, करंट सरकार। एक तो ये कि आप मुझे ये बताएं कि मोदी जी के बारे में कोई दुनिया में एक आदमी कह सकता है कि उनके ऊपर करप्शन का कोई एक धेले का भी कोई इनके ऊपर केस हो? नहीं, उनपे तो आई थिंक करप्शन का किसी ने अभी तक कुछ इल्जाम तक भी नहीं लगाया। तो ये एक आदमी है जो कि सिर्फ एक मकसद के लिए कि मैं इस कौम को कहां से कहां ले जाऊंगा। जो हिस्टोरिकल ब्लंडर्स हैं उसको करेक्ट करने में तो फिर लोगों के वेस्टर्न इंटरेस्ट खराब होते हैं। तो वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से ये चीज होता है। पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है। पाकिस्तान में एक इदारा है नादरा, नेशनल अकाउंटेबिलिटी डेटाबेस करके कुछ है नादरा। नादरा में हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। अच्छा। मेरे बच्चे जो यहाँ पे पैदा हुए हैं यूरोप में, मैं एम्बेसी में जाता था, रजिस्ट्रेशन करा के आता था। Okay. आप खाली नाम और डेट ऑफ बर्थ डालें, आपको हर पाकिस्तानी का रिकॉर्ड मिल जाएगा। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पता होना चाहिए कि मेरे मुल्क में कितने लोग हमारे सिटीजन रहते हैं। अब एक मिसाल है, यहाँ इंग्लैंड में 1 मार्च से 19 मार्च तक सेंसस हो रहे हैं। हमें फॉर्म आए हैं घर पे, उसमें 2 दर्जन सवाल हैं। उसमें ये पूछा है आपकी एथनिसिटी क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपकी हाउस होल्ड इनकम क्या है, ये वो। क्यों भाई, डेमोक्रेसी कोई खतरे में नहीं पड़ रही इधर। हम कोई नहीं कह रहे कि भाई इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी के एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, कुछ नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की। लेकिन भारत में अभी आया नहीं है तो अभी से काम कागज नहीं दिखाएंगे। हमारे कागज गुजरात में जल गए थे दंगों में, हमारे तो दादा के पास कागज नहीं थे तो हमारे पास कहां से आएंगे। यार ये बेवकूफी की बातें छोड़ो, किस दौर में रह रहे हो, 2021 में रह रहे हो, जिसके पास नहीं है कागज। आई बिलीव कई ऐसे गांव हैं जहां पर पुराने लोग हैं, उनके पास नहीं होंगे, नहीं होते थे उस जमाने में। तो भाई अपडेट करो ना, कोई आपको बाहर नहीं निकाल रहा, चाहे आप मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, कुछ भी हैं, आपको कोई बाहर नहीं फेंक रहा। पहले आप साबित तो करोगे ना। एक आदमी अगर 95 साल उम्र है इसकी, एक गांव में रह रहा है, क्या वो साबित नहीं कर सकता कि वो उस गांव का बाशिंदा है? यार बिल्कुल साबित कर सकता है, ऐसी चीज है नहीं। और अभी तो आया ही नहीं है। हाँ। जब एनपीआर असेंबली में आएगा, आपकी पार्लियामेंट में आएगा, तो उसकी कंडीशंस होंगी ना, उसमें हर आदमी को मौका दिया जाएगा अपनी नेशनलिटी साबित करने का। इसी तरह आपका यूनिवर्सल पिनल कोड है, एक कानून सबके लिए। क्या अमेरिका में 10 कानून चल रहे हैं क्या? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है। आई हैव नो आईडिया कि एक कंट्री में दो अलग कानून होने ही नहीं चाहिए एक कंट्री में, ऐसा तो वो डिस्क्रिमिनेशन है। भारत में खाली ट्रिपल तलाक अभी तो हटाया है तो हंगामे मच गए। तो अभी तो पूरा अगर अब देखें, एक हिंदू लड़की भारत में मुसलमान से शादी करे, वो उसकी विरासत में हिस्सेदार नहीं बनती, उसको हक ही नहीं है, ये कानून है आपका। लेकिन एक मुसलमान लड़की हिंदू से शादी करे, वो उसकी विरासत में पूरी हकदार है। क्या है यार 10 किस्म के कानून? एक मुसलमान 4 शादियां कर सकता है, यहाँ पे नहीं कर सकता भाई। राइट, यहाँ पे लंदन में एक शादी करेगा, एक बीवी अलाउड है बस, चाहे आप मुसलमान है कि कोई भी है। लेकिन भारत में बांध बांध के कानून है। अभी एक कोर्ट का फैसला आया था कि जिस लड़की के पीरियड शुरू हो जाते हैं वो एडल्ट है, वो शादी कर सकती है। अरे नहीं भाई, मेरा ख्याल है भारत में लीगली 19 ईयर ओल्ड है शादी की है। वो तो बहुत गलत है। अभी किसी ने यहाँ लिखा है, कमेंट किया है कि काफी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं किसी के, एंड देयर फैमिलीज इन इंडिया सपोर्ट बीजेपी। एंड उसने ये भी लिखा है कि इंडियन मुस्लिम्स आर एक्चुअली वेरी स्मार्ट, otherwise they would not support Modi government. Actually, ये बात सही है, लेकिन I think it goes back to the narrative जो create होता है। लेकिन अरे भाई, I'll come back to exactly this point, और जो आपने पहले कहा था कि जब आप पाकिस्तान में you know, बड़े हो रहे थे, आप मोहम्मद गजनवी को शायद अपना हीरो मानते थे, तो वहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग तभी अपना विचार बदलते हैं बेस्ड ऑन उनको जो नॉलेज होती है। जैसे मैंने कई अपने पाकिस्तानी फ्रेंड से बात किया, उनको ये पता ही नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश में कितनी एट्रोसिटीज किए हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से 1990 में मारा गया और निकाल, उनको पता ही नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब लोगों को पता ही नहीं है चीजें, तो वो कैसे अपने विचार, कैसे अपने थॉट्स बदलेंगे? वो तो वही रहेंगे जो उनको बताया जा रहा है, तो वो कैसे पता करें ये सब चीजें कि असली में हो क्या रहा है?
उनको ये सब पता है कि मोदी गुजरात में कत्लेआम कर रहा था, मोदी ने गुजरात में मुसलमानों को देखे। ये हर आदमी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि करेक्ट हिस्ट्री को पढ़े। सब पता है कि बंगालियों के साथ क्या हुआ था। ये मासूम बनते हैं, इतने मासूम है नहीं, इनको सब ये फखर से कहते हैं कि महमूद गजनवी ने मंदिर तोड़े थे। ये फखर से कहते हैं कि महमूद गजनवी ने हजारों गुलाम बनाए थे। ये हमारी हिस्ट्री की बुक्स में जो पाकिस्तानियों ने लिखी है उसमें भी लिखा हुआ है ये सब। लेकिन उस वक्त हमारे अंदर इस्लाम आ जाता है, हम उसको गलत नहीं समझते। हम कहते हैं अच्छा मुसलमान ने मारा ना काफिर को, फिर तो सही है। अच्छा यही चीज बांग्लादेश की है। ये लाख अपने आप को तसल्ली देते हैं कि भाई भारत की साजिश थी, मुक्ति बहानी बनाई, फलां किया, ढुमका किया। इनको अच्छी तरह पता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के बाद ऐलान किया कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज सिर्फ उर्दू होगी, बंगला नहीं होगी। बंगालियों ने कहा कि 55% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट मिला के बंगला जबान बोलती है, खाली 7% पाकिस्तानी उर्दू बोलते हैं। पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, पख्तून हैं और बंगाली हैं। तो भाई या तो दो जबान रखो, हम नहीं कह रहे कि उर्दू ना रखो, क्या यह हक नहीं था? लेकिन नहीं जी, बंगालियों ने गद्दारी की। तो भाई साहब सब पता है, ये इतने सीधे नहीं है भाई साहब। पाकिस्तान के मुसलमान, इनको सब पता है, इनकी आर्मी मारे तो जायज है। ये आपको ये तो बताएंगे कि अभिनंदन को हमने चाय पिलाई, फखर से बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि 4 साल 93,000 पाकिस्तानी फौजी भारत की रोटियां तोड़ते रहे। रोज एक जनरल आता था तो उसके आगे अपनी पतलून उतार के सब दिखाते थे। ये नहीं बताएंगे, वहां पे चुप हो जाएंगे। लेकिन अभिनंदन को एक चाय पिलाइए, उस पर ये इतनी मीम बनाएंगे और इतनी बातें करेंगे, फखर का इजहार करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि अभिनंदन वहां पे क्या करने आया था, बालाकोट की बाजे बजाने आया था। नहीं बताएंगे कि वहां पे टेररिस्टों के कैंप तबाह करने आया था और कर दिए थे तबाह। आज उसको पूरा 1 साल हो गया। जी जी, तो अरे भाई, जो अभी हम कई चीजें हम बोलते हैं कि इंडिया में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंडिया को तोड़ना चाहते हैं, कुछ कहते हैं खालिस्तान बनाओ, कोई कहते हैं इन्हों कश्मीर को अलग करो, कोई कहते हैं, तो लेकिन आप पे भी तो वही इल्जाम लगता है क्योंकि आप बोलते हैं पाकिस्तान के अलग अलग हिस्से होने चाहिए, बलोचिस्तान एक अलग कंट्री होनी चाहिए, सिंध एक अलग होना। तो आप जो कह रहे हैं और यहाँ पर लोग इंडिया में कह रहे हैं, उसमें क्या फर्क है? पहला फर्क, इंडिया एक ऐतिहासिक कंट्री है, पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल बफर जोन है जो वेस्ट ने अपने पर्पजेस के लिए बनाया था। इनकी कोई तारीख नहीं है, ये अपनी हिस्ट्री पे शर्मिंदा हैं। आप जिस चीमा जिस बाजवा की दुम उठाएंगे वो या तो हिंदू थे या सिख थे, लेकिन ये अरब और तुर्क बनने के चक्कर में हैं। पहले तो इनकी हिस्ट्री कुछ नहीं है, तो ये कोई कौम नहीं है। दूसरा, इस मुल्क को आप अगर स्टडी करें तो बलूचिस्तान 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और इंडिया के आजाद होने से 3 दिन पहले अंग्रेज ने आजाद कर दिया था। एक्चुअली अच्छा। आप अगर देखें तो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था बलूचिस्तान, बलूचिस्तान आजाद रियासत थी जिसके साथ अंग्रेज ने मुआहिदा किया था। वो मुआहिदे के तहत खाली क्वेटा सिटी लिया था उनसे, और जैसे आपने देखा था कि हांगकांग और चाइना का एक मुआहिदा था के साथ, और इस तरह एक एग्रीमेंट के तहत क्वेटा और कुछ इलाकों में अंग्रेज ने वो किया था, वरना ऑटोनोमस रीजन था। तो 11 अगस्त 1947 को कराची, जो कि पाकिस्तान का कैपिटल बनने वाला था, उसमें गांधी गार्डन एक इलाका है हमारे घर के करीब ही है, वहां पे आजाद बलूचिस्तान की रियासत कल्लात के नाम से एम्बेसी थी, आजाद कंट्री था। देखें, बलोच एक ट्राइबल सोसाइटी थी, तो तमाम ट्राइब्स ने कल्लात के खान ऑफ कल्लात को ये राइट दिया था कि अंग्रेजों से वो मुआहदे करें। तो खान ऑफ कल्लात को एज ए रूलर ऑफ बलोचिस्तान आप कह सकते हैं। ओके, उनकी एम्बेसी थी। जिना खान ऑफ कल्लात के वकील थे,
आजादी से पहले अंग्रेज कोर्ट्स में वकील थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद इन्होंने खान ऑफ कल्लाद को कहा कि तुम पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, उन्होंने कहा नहीं। तो जिन्ना ने फौज भेजी और करंट खान ऑफ कल्लाद लंदन में रहते हैं, खान सुलेमान दाऊद, उनको बयानात आप गूगल पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। उन्होंने कहा मेरे फादर के सर पे बंदूक रखी और एक्सेशन ट्रीटी साइन कराई है और बलोच आजादी मांग रहे हैं 1971 से। किसी खालिस्तानी कश्मीरी मूवमेंट की तरह इनको कोई मदद नहीं कर रहा। पाकिस्तान जिस तरह कश्मीरियों और खालिस्तानियों को पैसे दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है और सारी सपोर्ट कर रहा है, डिप्लोमेटिक मदद दे रहा है, ऐसे बलोचिस्तान को जिस दिन इंडिया ने मदद कर दी ना, तो पाकिस्तान को आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। वो एक इंडिजिनियस मूवमेंट है जो 1971 से एट वॉर है पाकिस्तान के साथ। अब आ जाइए सिंध की तरफ। सिंध की असेंबली में आई जस्ट वांट टू रीकैप द बलूचिस्तान, तो बेसिकली जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे पता नहीं है, तो बेसिकली बलूचिस्तान एक अलग सूबा था, अलग जगह थी जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे और उनको पाकिस्तान और इंडिया से पहले आजादी मिल चुकी थी। जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए, उसके बाद पाकिस्तान जो आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा, उनको न्योता दिया कि आप हमसे ज्वाइन किए, उन्होंने कहा हम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो बेसिकली उसके बाद से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे फोर्सिबली कब्जा कर लिया। ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान है ये। आप गूगल पे चेक करेंगे ना तो आपको ये हिस्ट्री मिलेगी, आपको एम्बेसी का एड्रेस भी मिलेगा। 11 अगस्त 1947 को ओपनिंग हुई है और आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे गूगल पे कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने रिकॉग्नाइज किया था बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस को, दोनों ने रिकॉग्नाइज किया था, पाकिस्तान और इंडिया ने। लेकिन 1948 में जाके पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है और बाय फोर्स एक्सेशन ट्रीटी साइन कराई गई है। तो ये आजादी का एक साल बाद इन्होंने ऑक्यूपाई किया था बलूचिस्तान। Exactly. तो वो जो बीच में थोड़ा टाइम था, 6 महीना, पार्ट ऑन 1947, तो बेसिकली 1947 के बाद भी, 14 अगस्त 15 अगस्त के बाद भी बलूचिस्तान एक अलग कंट्री ही थी। एग्जैक्टली Exactly. अच्छा ठीक है सर, मुझे नहीं कह रहा ये ऑन रिकॉर्ड है चीजें। नहीं नहीं, हाँ मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा है। 1948 में पाकिस्तान का हिस्सा बना है इसलिए कि पाकिस्तान ने आर्मी भेजी और गन पॉइंट पे खान ऑफ कल्लाद से एक्सेशन ट्रीटी साइन कराई थी, जिसको अच्छा। बाकी बलोच ट्राइब्स ने मना कर दिया था कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, और तब से ही आजादी की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया लीगल पॉइंट बलोचिस्तान का जी। अब आ जाते हैं कि इनकी आजादी की जंग जरूरी क्यों है, इसलिए कि 1956 में सुई नामी मुकाम बलोचिस्तान, वहां से गैस निकलती है 1956 में, और 3-4 साल के अंदर 1960s में पंजाब के गांव गांव में गैस जा रही है। आज भी सुई नामी गांव के औरतें लकड़ियां लाके अपना खाना बनाती हैं। इस तरह तो ये एक्सप्लोइट कर रहे हैं बलोच रिसोर्सिस को। एटम बम का धमाका करना हो तो बलोचिस्तान में करेंगे। अभी जनवरी में एक मिसाइल का तजर्बा कर रहे थे तो वो डेरा बुक्टी नामी शहर है बलोचिस्तान का, वहां जाके वो मिसाइल गिराए सिविलियन पॉपुलेशन पे, जो आप मिसाइल का तजर्बा करते हैं। बलोचिस्तान में सिर्फ बर्बादी। तो वहां की जो पाकिस्तान की जो जनरल पब्लिक है, उनके क्या थॉट्स हैं बलोचिस्तान के बारे में? पाकिस्तान की जनरल पब्लिक जो है ना, उनको तो ऐसा दबा के रखा हुआ है ना कि पाकिस्तान में सिविल लिबर्टीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। पाकिस्तान में तो कोई बोल ही नहीं सकता, वरना क्या आम आदमी को नहीं पता कि सुई जहां से पूरे पाकिस्तान को गैस जा रही है, उसके अपने गांव में गैस नहीं है। इसी तरह ग्वादर, ग्वादर सिटी बलोचिस्तान का है, वो चाइनीज और पंजाबी आर्मी के कब्जे में है, उसको फेंसिंग की गई है पूरी सिटी को, उसके अंदर बलोच नहीं जा सकता अपने शहर में सिक्योरिटी के नाम पे। तो सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ी है आपको? आज आपके कश्मीर में तो कोई पेल्टिंग नहीं कर रहा, स्टोन पेल्टिंग नहीं कर रहा, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था तो टेररिज्म चल रही थी, यहां तो ग्रास रूट लेवल पे मूवमेंट चल रही है, इनके रिसोर्सेस को लूटा पूटा जा रहा है। तो इनका हक दो तरह से बनता है, कि लीगली भी
और इनके साथ जो ज्यादती हो रही है, सबसे अनडेवलप्ड एरिया है ना वो बलोचिस्तान है पाकिस्तान का, सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज उसके एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। नहीं अच्छा किया मैंने पूछ लिया आपसे, आई एम श्योर मैं एक दिन शो करूंगा सिर्फ बलोचिस्तान के ऊपर। आप सिंध के बारे में कुछ कह रहे थे, सिंध के बारे में। अब सिंध की बात आती है तो जब मुस्लिम लीग ने कहा कि पाकिस्तान बनना चाहिए तो सिंध असेंबली में बिल पेश हुआ अनडिवाइडेड इंडिया में, तो सिंध असेंबली में बराबर वोट आए, आधे ने कहा कि नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान, आधे ने कहा बनना चाहिए। तो जिन्होंने साईं जीएम सैयद सिंध असेंबली के मेंबर को ये कहा कि हम यहाँ पे पाकिस्तान एक कॉन्फेडरेशन होगी जिसमें सिंध पंजाब और केपी के ऑटोनोमस रीजन होंगे, इस वादे पे सिंध असेंबली ने फिर वोट दिया पाकिस्तान के लिए, लेकिन सिंध पे कब्जा कर लिया। सबसे पहले तो सिंध का जो सबसे जरूरी पार्ट है वो कराची सिटी, ओनली डेवलप्ड सिटी, ओनली पोर्ट ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम, इंडस्ट्रियल जोन पाकिस्तान का सारा कराची में था, वो उन्होंने फेडरल कैपिटल बना के सिंध से अलग कर दिया। सिंधियों को इन्होंने कहा कि अनपढ़ जाहिल हैं, इनको बिल्कुल दबा के रखा इस तरह कह के। सिंध का एक्सप्लोइटेशन जिस तरह बलोचिस्तान का होता रहा, इस तरह सिंध का एक्सप्लोइटेशन होता रहा। सिंध में ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज नहीं है, तो वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें आजाद सिंधु देश बनाना है। और मैं एक बींग रेसिडेंट ऑफ सिंध, और मैं बिल्कुल उनको एग्री करता हूं कि सिंध में ह्यूमन राइट्स नहीं है। मतलब आप देखें कि एक पंजाबी स्कॉलर है, उन्होंने इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने अभी बताया दो तीन हफ्ते पहले की बात है एक इंटरव्यू में कि कराची में दर्जनों मार्केट हैं, कपड़ा मार्केट है, दूसरी मार्केट होती हैं, एक कोई भी मार्केट उठा लेना उसका टैक्स रिटर्न पूरे लाहौर सिटी से ज्यादा है। ठीक है, लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन है, लाहौर में मेट्रो बस है, लाहौर में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जबकि लाहौर कोई टैक्स नहीं देता। जबकि कराची में आपको मेट्रो बस या मेट्रो ट्रेन तो छोड़े, नॉर्मल बसेस भी नहीं है। आप गूगल करें, गूगल पे जाके खाली इतना टाइप करें कराची ट्रांसपोर्ट, कराची बसेस लिख दें, आपको टूटी फूटी पुराने जमाने की बसें मिलेंगी। ऐसा क्यों, कराची तो बड़ी एक मानी सिटी मानी जाती है। 70% प्रोवाइड्स टू नेशनल एक्सचेकर, 70% नेशनल एक्सचेकर को कराची से जाता है। आज भी इतना कुछ करने के बाद भी कराची सबसे ज्यादा कमाऊ पूत है, सिंध का कैपिटल है, लेकिन कराची को कुछ नहीं दिया। कराची में एक सड़क नहीं मिलेगी आपको बनी हुई, इसलिए कराची का इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, सारा इन्वेस्टमेंट पंजाब में कर रहे हैं। तो सिंध वाले लोग जो हैं, कराची वाले लोग जो हैं, जब इलेक्शन की बात आती है तो वो वोट किसे करते हैं उस टाइम पे? सिंध पे हमेशा पीपल्स पार्टी रूल करती रही है। पीपल्स पार्टी इज ए पार्टी ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स, सारे फ्यूडल लॉर्ड्स। इस वक्त भी चीफ मिनिस्टर जो है वो फ्यूडल लॉर्ड है, 72 साल से फ्यूडल लॉर्ड है। इसमें आपको उर्दू स्पीकिंग एलीट मिलेगी या सिंधी स्पीकिंग फ्यूडल लॉर्ड मिलेंगे। ये दो GHQ के साथ मिलके कराची और सिंध को लूट रहे हैं। और जब मैं कराची और सिंध कहता हूं तो ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, कराची इज कैपिटल ऑफ सिंध जी। तो सिंध पूरा इनके कब्जे में है, फ्यूडल लॉर्ड्स और उर्दू स्पीकिंग एलीट है ना, ये मिलके सिंध को लूट रहे हैं अलोंग विद पंजाबीज। 1991 से पाकिस्तान आर्मी की एक रेजिमेंट है रेंजर्स, वो रेंजर्स 91 से कराची में बैठी है, कराची की सिक्योरिटी देख रही है, पूरे कराची को पानी की सप्लाई रेंजर्स कर रही है। कभी आपने दुनिया में कहीं देखा है कि आर्मी ये काम करती है? पूरे कराची के शादी हॉल रेंजर्स चला रही है, कराची की सबसे बड़ी बड़ी जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनियां है वो रेंजर्स चला रही है, आर्मी चला रही है। और लीगली कराची का 60% लैंड है वो कंटोनमेंट है। मतलब इस लंदन में मैं रहता हूं, लंदन में कहीं आपको कंटोनमेंट नहीं मिलेगा। 60% लैंड कराची में आर्मी डायरेक्ट रूल करती है, वहां पे म्युनिसिपैलिटी का कोई राइट नहीं है।
वहां पे कोई लॉ सिविलियन लॉ नहीं चलता, मिलिट्री लॉ चलता है। और मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, आप रिसर्च कर सकते हैं। और मैं रहा हूँ जमशेद टाउन का, मैं तो इन चीजों को अच्छी तरह जानता हूँ ना जी। ये है की पोजीशन। तो एक पूछना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लेकिन अभी मैंने काफी न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ा था कि कई सारे रिसोर्सेज अब चाइना के पास गिरवी पड़े हैं, ताकि क्योंकि पाकिस्तान को पैसे चाहिए। तो ये सस्टेन कैसे होगा? ये ज्यादा देर तो नहीं रह सकता ना ऐसा, मतलब कब तक चलेगा ऐसा? पाकिस्तान सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे है। देखें, ग्वादर म्युनिसिपैलिटी, ग्वादर पोर्ट, ग्वादर का तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के पास गिर भी है। कराची म्युनिसिपैलिटी, कराची वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, कराची पोर्ट की कई बर्थ्स और कराची एयरपोर्ट, ये सब चाइना के पास गिर भी हैं। अभी दिसंबर जनवरी में इमरान खान को पैसों की जरूरत थी, तो इसने स्कूक बॉन्ड निकाले। स्कूक बॉन्ड निकाले यानी 500 बिलियन रुपीज की, 5 बिलियन तकरीबन 4 बिलियन डॉलर की लोन इसको चाहिए थी। तो उसके अगेंस्ट में रखने को कुछ नहीं था, तो इस्लामाबाद के पार्क रखे जी मॉर्गेज के तौर पे। ये आपने भी पढ़ा होगा जी। तो कराची मतलब सिंध और बलूचिस्तान तो गिरवी कर चुका है। तो अब पाकिस्तान में आपको जो बता रहा था कि सारा इन्वेस्टमेंट पंजाब पे हो रहा है, इसीलिए हो रहा है कि शायद इनको ये है कि अगर इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर इंशाल्लाह पाकिस्तान टूटता है, तो ये कहते हैं कि पंजाब तो कम से कम डेवलप्ड हो। पंजाब के मुल्तान में आपको मेट्रो मिलेगी, आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो मिलेगी, आपको लाहौर में सब कुछ मिलेगा। कराची में नहीं है मेट्रो, बलूचिस्तान में नहीं है। तो फेवरेटिज्म चल रहा है। लेकिन जब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जब इमरान खान इलेक्ट होके आए थे, तो मुझे पर्सनली लगा था कि अब कुछ चेंज होएगा, बदलाव आएगा पाकिस्तान में, बिकॉज इमरान खान जिन मुद्दों को लेके आए थे, जिस तरह आए थे, जो वो बोलते थे, लग रहा था कि अब एक सच में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी पाकिस्तान में। तो लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं कि जैसा पहले था वैसा ही चलता जा रहा है? आपका ये सवाल का पहला लफ्ज ही गलत था। आपका इमरान खान इलेक्ट होके आए, वो इलेक्ट होके नहीं आए, वो सिलेक्ट हुए। ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। ये एक तो होता है पाकिस्तान में कोई सिविलियन गवर्नमेंट बगैर आर्मी की मर्जी के तो आती नहीं, लेकिन फिर एक थोड़ी बहुत अपनी इज्जत रखते हैं। ये तो कदमों में बैठ गया था भाजपा के, ये तो बिल्कुल लेट गया था। तो आपको जितने भी इसके मीम मिलेंगे, आप खुद देख लो कि इसने अपने ओपोजिशन के पीरियड में जो जो बातें की थी सबको नेगेट किया है इसने। आप गूगल पे डालें कि प्राइस कंपैरिजन ऑफ नवाज शरीफ एंड इमरान खान, इन्फ्लेशन की भरमार है। जितना नवाज शरीफ और जरदारी ने मिलके 10 साल के जो टेन्योर रहे हैं, 5 साल जरदारी के रहे, 5 साल नवाज शरीफ के, 10 साल में जितना लोन लिया है उससे ज्यादा इसने 2 साल में ले लिया है। वाओ। और करप्शन का तो यह आलम है कि पापा जॉन्स पिज्जा आप मंगवा लो तो आपकी आर्मी, हमारी पाकिस्तान आर्मी को उसका हिस्सा जाएगा, आसिम सलीम बाजवा को मिलेगा उसका प्रॉफिट। लूट मार का तो अंबार है। इमरान खान हैज डिलीवर्ड नथिंग एक्सेप्ट डिस्ट्रक्शन और सिविल डिस्ट्रक्शन, सोसाइटी बर्बाद कर दी है इसने। तो वहां के लोग क्यों नहीं, जैसे इंडिया में जैसे हमने बात की, इवन दो जो लॉज हैं ये डेमोक्रेटिकली पास लॉज हैं, जो पार्लियामेंट में पास हुए हैं, किसी ने मतलब अपने मन से नहीं बना दिया लॉज, वहां पर इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अमेरिका में इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस टाइम पे, तो पाकिस्तान के लोग ऐसे मुद्दों के लिए सड़कों पे क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते लोग? भरे पड़ी है सड़कें। अभी 2 हफ्ते पहले प्रोटेस्ट हुए थे तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, तो आंसू गैस छिड़की गई एक्सपायर्ड। और होम मिनिस्टर शेख रशीद को आप चेक कर ले, उसका बयान मौजूद है रिकॉर्ड पे। उसने कहा हम दरअसल टेस्ट कर रहे थे कि आंसू गैस एक्सपायर हो गई है तो कैसी रहती है, तो हमने तो अभी तो स्टार्ट किया है और इतना तो चलता रहता है। यही बयान अमित शाह दे दें अगर यही बयान अमित शाह दे दे तो वॉशिंगटन पोस्ट के सफे भर जाएंगे, CNN स्पेशल प्रोग्राम चलाएगा, BBC स्पेशल प्रोग्राम चलाएगा, रियाना चूड़ियां तोड़ के आ जाएगी सामने, मियां खलीफा अपने कपड़े फाड़ के आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में शेख रशीद ने ये बोल दिया, किसी के कान पे जू नहीं रूंगती। आज 10 साल से
इस्लामाबाद प्रेस क्लब और कराची प्रेस क्लब के बाहर वो औरतें बच्चे बैठे हुए अपने उन प्यारों की तस्वीरें लेके कि हमारा ये मिसिंग पर्सन मेरे बाप को वापस भेजो, कोई 10 साल से गायब है, कोई 5 साल से गायब है। ये कंटिन्यूस कैंप चल रहे हैं, प्रोटेस्ट कैंप्स। हमारे लिए कोई रियाना नहीं बोलती, हमारे लिए कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं बोलता, ये इंटरनेशनल एजेंडा पे चीजें चलती हैं। पाकिस्तान में रोज की बुनियाद पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो भेजूंगा। इवन पंजाब में अभी लास्ट वीक एक प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें भाजपा कुत्ता हाय हाय के नारे लगे हैं। लेकिन ये चीजें मीडिया में ज्यादा दिखती नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में। इसलिए कि मीडिया का तो आपको पता ही है कि इंटरनेशनल मीडिया का अपना एजेंडा होता है। मैं फिर आपसे पूछता हूँ, जैसे मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था जिसमें आपने कहा था कि जैसे सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपने बच्चों का नाम तैमूर रखा है, तो आपने कहा था ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए। तो मेरा आपसे सवाल है कि नाम से क्या होता है? अगर वो रखना चाहते हैं तो ठीक है, आई मीन उसमें गलत बात क्या है? देखे सनी भाई, आप शायद खुद मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ नाम से क्या है। मैं बेल्जियम में 20 साल रहा हूँ जी। बेल्जियम में हिटलर से जितनी नफरत है ना, शायद जर्मनी और पोलैंड में भी नहीं होगी। हिटलर ने बेल्जियम में कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे और बड़ी तबाही हुई थी जब हिटलर ने कब्जा कर लिया था जी। बेल्जियम में किसी के बाप की मत नहीं कि अपने बच्चे का नाम हिटलर रखे। तैमूर इस्लामिक नाम नहीं है, मोहम्मद इस्लामिक नाम है। इब्राहिम, सैफ अली खान के बड़े बेटे का नाम इब्राहिम है, कोई मसला नहीं, इस्लामिक नाम है। इवन उसामा हमारे सहाबियों का नाम होता था, हमारे नबी पाक के साथियों का नाम होता था। उसामा नाम गलत नहीं है। तैमूर इज नॉट इस्लामिक नेम, इट्स नॉट ओके। तैमूर एक इन्वेडर का नाम था, जो जब दिल्ली पे इसने हमला किया तो इसने ऐलान किया कि जब तक मेरी तलवार बाहर है, नियाम में नहीं डाली, तब तक कत्ल नहीं रुकना चाहिए। एक दिन में 1 लाख दिल्ली वालों को मारा था। दिल्ली में यहां घुटनों घुटनों तक खून था, लथपथ। जितनी औरतें थी इसने कहा इनका रेप करो, गैंग रेप करो। 3 दिन कत्लेआम जारी रहा है और फिर तैमूर ने मजबूरन रुकवाया, इसलिए कि इतनी बदबू हो गई थी लाशों की वजह से। किसने कहा जल्दी से दिल्ली छोड़कर पूरी फौज बाहर निकल जाए वरना मर जाएंगे हम बीमारियों से। लेकिन वो तो वो तैमूर क्रूअल था ना, लेकिन तैमूर नाम जो था, आई एम श्योर कोई ना कोई रिलेवेंस तो होगी नाम की। अच्छा, यही है तैमूर नाम का। आप मुझे इस्लामिक हिस्ट्री में कोई और नाम, कोई और दिखा दें कहीं। वो ये मंगोल था, कन्वर्टेड था मंगोल। अच्छा, ये अरब नहीं था, ये मंगोल। जैसे चंगेज नाम भी अरब नहीं है, इस्लामिक नहीं है। हलाकू, ये सब इस्लामिक नाम नहीं है। ये तैमूर कन्वर्टेड वो था मुसलमान, तो इसका नाम मंगोल है, मंगोल ओरिजिन का है। मैं ये कहता हूं कि सैफ अली खान एक आम आदमी नहीं है, सनी मोजा नहीं है। सैफ अली खान एक सेलिब्रिटी है जी, और सबसे बड़ी बात वो एक नवाब है, एक इलाके का नवाब है। उसकी प्रजा में ज्यादा हिंदू है, पटोदी नवाबो पटोदी है, तो वहां पे ज्यादा हिंदू है। तो कैसे वो भूल सकता है कि जिस आदमी ने हिंदुओं को मारा है आके इधर, उसके नाम पे तुम अपने बेटे का रखो नाम। तुम जिस कौम का खाते हो, जो 7-स्टार लाइफ तुम गुजार रहे हो, वो यही कौम तुम्हें दे रही है पैसा, यही कौम तुम्हें पाल रही है। तो थोड़ा उनके जज्बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए? अदरवाइज नाम रखना हर आदमी का अपना राइट है, अपने बच्चे का नाम रखना, उस पर तो मैं एग्री करता हूं। लेकिन हर आदमी में और एक नवाब ऑफ पटौदी में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। तैमूर उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम रखेगा, हमें कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल मोहम्मद नाम बहुत बाद में बिन कासिम का था, इससे पहले हमारे नबी का था, तो इसलिए हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन तुम तैमूर रख रहे हो, तैमूर मुझे कोई और हिस्ट्री में रेलेवेंस दिखा दें कि कोई इस्लामिक रेलेवेंस हो। तो बेसिकली आप जो कह रहे हैं कि क्रूअल इन्वेडर का नाम आता है जिसने हिंदुस्तान में खोपड़ियों के मीनार तामिर किए। तो बेसिकली
तो आप क्या कह रहे हैं कि नाम रखने में कोई इश्यू नहीं है, तैमूर में भी कोई नाम रखने में इश्यू नहीं है, लेकिन थोड़ा कंसिडरेट रहना चाहिए कि जहां आप रह रहे हैं उनके खिलाफ अगर किसी ने जुल्म किया है तो नहीं रखना चाहिए। स्टेटस है एक आम हिंदुस्तानी रखता है ना तैमूर, फिर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक इतने बड़े सेलिब्रिटी का, जिसको का आपको पता है कि बॉलीवुड और क्रिकेटर इंडिया में रोल मॉडल होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दूसरा आपके जो सैफ अली खान है, उसको जो इतनी अय्याशी की लाइफ मिली हुई है, वो किसके बल पे है? इंडिया के बल पे है, इंडियंस के बल पे है। जज्बात का थोड़ा तो ख्याल रखो। मुझे ये बताएं कि आप एक अगर हिंदू हैं, आपको तैमूर से प्यार होगा कभी? क्योंकि तैमूर एक ही है दुनिया में, इससे पहले कोई इस्लामिक तैमूर नहीं था। इसके बाद लोगों ने रखे होंगे तो उसी के नाम पे रखे होंगे। अच्छा, गॉट इट। नहीं हाँ बिल्कुल, मुझे पता नहीं था तैमूर की हिस्ट्री, पता नहीं थी नाम की हिस्ट्री। तो अरे भाई, लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा जाने से पहले, आपने पहले कहा कि जब हम एट्रोसिटीज की बात कर रहे थे तो कई बार आपने कहा कि पाकिस्तानी या मुस्लिम लोग कंप्लेन नहीं करते कि उनको लगता है ठीक है मुसलमानों ने नॉन मुस्लिम्स के साथ कुछ किया है। लेकिन मेरा सवाल ये है, और मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि जो मैं अगला शो कर रहा हूँ वहां पर मैं वीगर मुस्लिम जो चाइना में जिनके साथ इतना चल रहा है, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप चल रहे हैं, तो नेक्स्ट शो में मेरे शो में एक ऐसे शख्स आ रहे हैं जो फर्स्ट हैंड वहां रह चुके हैं, उनकी फैमिली खुद कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में है। लेकिन एक चीज मुझे बड़ा सरप्राइज करती है कि मुस्लिम कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान 57 कंट्रीज, वो कोई भी चाइना के ऊपर जरा सा भी प्रेशर नहीं डाल रहा कि वहां पर मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स पे इतनी एट्रोसिटीज हो रही हैं। ऐसा क्यों? वहां पर भी तो मुस्लिम्स हैं सर। ये आपने जितने मुस्लिम ममालिक की बात की ना, सबसे ज्यादा तकलीफ में मुसलमान इन्हीं मुल्कों में। पाकिस्तान खुद बलोचों को मार रहा है, सिंधियों को मार रहा है, पख्तूनों को मार रहा है, कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। सऊदी अरब में आप चले जाएं तो वहां भी जो नहीं है शिया है उसको तकलीफ में, ईरान में चले जाएं तो सुन्नी वहां तकलीफ में। ये खुद अपने मुल्कों में मुसलमानों का जिंदगी हराम की हुई है, ये चाइना के लिए कैसे बोलेंगे? मुसलमान अय्याशी से कहां रह रहे जहां पे नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट है? इंडिया, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आप दुनिया के किसी मुसलमान मुल्क में चले जाएं, मेजॉरिटी मुसलमान मुल्क में, और उसके बंदों को चॉइस दें कि आपको कहाँ जाना है, तो वो इन्हीं मुल्कों में से कहीं जाने का बोलेगा। हमारे पाकिस्तान में आप चले जाएं, किसी मुसलमान को पकड़ के कहें कि तुम्हें कहाँ जाना है बाहर, वो कहेगा अगर मुझे एक हफ्ते के लिए जाना है तो मुझे उमरा करने के लिए सऊदी अरब जाना है। बोलो नहीं, सारी जिंदगी के लिए अगर कहीं जाना है मुझे, या तो लंदन जाना है, या कनाडा जाना है, या ऑस्ट्रेलिया जाना है, या अमेरिका जाना है। कोई भी नहीं कहेगा कि मुझे ईरान जाना है, सऊदी अरब जाना है, इराक जाना है, मलेशिया जाना है, कहीं नहीं जाने को तैयार होते। क्यों? कि मुस्लिम गवर्नमेंट्स आर मोस्ट एक्सप्लॉयटेटिव गवर्नमेंट्स, तो ये चाइना के बारे में कैसे बोलेंगे? एटलीस्ट नाम के लिए तो बोले, कम से कम दिखावे के लिए तो बोले, क्योंकि ये सबको मालूम है कि वहां मुस्लिम्स पे अत्याचार हो रहे हैं। एक स्टेटमेंट, एक कुछ कि हाँ यार हम अपने मुस्लिम ब्रदर्स के लिए उनके साथ खड़े हैं, बेशक कुछ कर ना पाए, लेकिन यहाँ तो दिखावे के लिए भी स्टेटमेंट्स नहीं आ रही हैं। देखें, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि आरिफ भाई आप कहते हैं कि हजारों बलोच मार दिए, मुझे जरा लिस्टें दिखाएं, तो मैं आपको लिस्टें तक प्रोवाइड कर सकता हूँ हजारों मिसिंग पर्सन की, हमने यूएन में जमा कराई है। लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि भारत में माइनॉरिटीज पे जुल्म हो रहा है। मैंने हमेशा पाकिस्तानियों से पूछा है कि मैं आपको हजारों बलोचों की लिस्ट दे देता हूं, आप मुझे 50 मुसलमान दिखा दें लिस्ट निकाल के, जिसमें जिनको इंडिया में मुसलमान होने पे। लेकिन पाकिस्तान के सुबह उठेगा प्रेसिडेंट, पहली ट्वीट करेगा भारत की माइनॉरिटीज तकलीफ में, फिर इमरान खान ट्वीट करेगा, फिर फवाद चौधरी करेगा, फिर शेख रशीद बोलेगा। तो ये सारा पॉलिटिकल एजेंडा है, चाइना के साथ इनके मफाद आते हैं। ज्यादातर सऊदी अरब में जो कॉमन मैन्स गुड है ना सामान, वो चाइना से आता है। सऊदी अरब की इकोनॉमी में ऑयल के बाद सेकंड नंबर पे हज एंड उमरा है। हज एंड उमरा में क्या होता है, हर आदमी हज करने जाता है, उमरा करने जाता है, तो तोहफे खरीदता है, हदिया है जिसको कि अपने रिश्तेदारों में, खानदान में, दोस्तों में बांटने के लिए। तस्बीह लेगा, जाय नमाज लेगा, टोपी लेगा, कपड़े लेगा, सब चाइना से आता है। सबकी
ट्रेड डील्स हैं चाइना के साथ, किसी पाकिस्तान जैसे भिकारी मुल्कों ने लोन ली हुई है चाइना से, तो सबके अपने मसले हैं, वरना किसको नहीं पता कि चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स बीच में आ जाते हैं। एग्जैक्टली तो वैसे मैं एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा जो आपने कहा कि पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा जहां पे मुसलमान, देखे भारत में मुसलमान 5 वक्त 84% नॉन मुस्लिम को लाउड स्पीकर पे अजान सुनाई जाती है, और क्या है अजान, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं। लेकिन इसी भारत में 84% हिंदू लाउड स्पीकर पे मुझे बोल के दिखा दो कि श्री शिव शंकर के अलावा कोई भगवान नहीं, कयामत आ जाएगी। नहीं, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लोग कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के अत्याचार हो रहे हैं, वहां पर डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन क्रिकेट कैप्टन रह चुके हैं, वहां पर जब एक नया खिलाड़ी मोहम्मद सिराज आता है और 5 विकेट लेता है, पूरे का पूरा भारत उसके बैकिंग करता है, और वही मोहम्मद सिराज ज्यादा खुशी मनाता है जब रविचंद्रन अश्विन सेंचुरी बनाता है। इस तरह की चीजें आपको सिर्फ भारत में मिलेंगी, लेकिन उसका एक नैरेटिव खराब कर देते हैं, उससे मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है। एंड आई कम फ्रॉम ए स्टेट जहां पर हिंदूज माइनॉरिटी में थे, कश्मीर में, जिस रीजन में, लेकिन वहां पर भी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप कोई डिस्कॉर्ड नहीं था। ये पिछले कुछ सालों में बढ़ गए, कम्युनल लीडर्स हैं, कम्युनल लीडर्स हैं, एजेंट हैं साले। मैं तो खुल कर कह रहा हूँ, महबूबा मुफ्ती के वालिद थे डिफेंस मिनिस्टर जब कश्मीर में मामला शुरू हुए, जब जेनोसाइड हुआ था तो कौन था आपका डिफेंस मिनिस्टर, ये महबूबा मुफ्ती के वालिद, ये अब्दुल्लाज, ये कम्युनल लीडर्स हैं जिनके अपने बच्चे यूरोप अमेरिका में पढ़ते बलते हैं और आम मुसलमान को मदरसे में पढ़ाते हैं। ये पूरे भारत में हो रहा है, वरना आम मुसलमान इतना ही इंडियन है जितना एक हिंदू है। बिल्कुल, इतना मैं दावे के साथ कहता हूं, जितने मेरे इंडियन फ्रेंड्स थे, भारत के लिए कभी हमें ऐसा नहीं लगा ग्रोइंग अप जब हम करते थे, बल्कि हम टांग भी खींचते थे एक दूसरे रिलीजन के पीछे, कभी ऐसा नहीं लगता था कि हम एक गलत बात कर रहे हैं, एक बड़ा नॉर्मल सा बिहेवियर था वहां पर। लेकिन अब ये ऐसा बन चुका है कि मतलब जैसे हम ऐसे हो चुके, हिंदू ये है, मुसलमान ये, जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप ऐसा कुछ नहीं, हाँ थोड़े छुटपुट वारदातें होती थी लेकिन ऐसा इशू कभी नहीं था। लेकिन अभी तो बिल्कुल डिवाइड कर दिया गया है कि अगर तुमने जय श्री राम बोल दिया तो मतलब तुम तो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हो, अगर तुमने अल्लाह अकबर बोल दिया मतलब तुम रेडिकल हो, ऐसा होता नहीं था। लेकिन आई थिंक टू योर पॉइंट, इसका एक ही सोल्यूशन मुझे लगता है कि लोग अपने आप को एजुकेट करें, जैसे आपने कहा हिस्ट्री के बारे में, तो पता चलेगा कि हम आ कहां से रहे हैं तो जाएंगे कहां पर। देश है तो सब है, ये आपका हर आदमी का मोटो होना चाहिए कि देश से ऊपर धर्म नहीं होना चाहिए। मेरा जिंदगी का उसूल रहा है कि रिलीजन इज प्योर पर्सनल इशू। बिल्कुल, ये पर्सनल हद तक रहना चाहिए, ना आप उसका प्रचार करें, ना मैं सनी भाई के पास जाके जो शुरू हो जाऊं कि यार तुम तो हिंदू हो, तुम तो जन्नत में जाओगे नहीं, तुम मुसलमान हो जाओ, नहीं भाई, मैंने मर के अपने भगवान को मुंह दिखाना है, आपने मर के अपने भगवान को मुंह दिखाना है, आपका बिलीफ आपके साथ, ये सोच हो जाए ना। मैं आपको अगर मजहब के पैमाने पर तोलना शुरू करूंगा ना तो ये गलत है। मैं समझता हूँ हर आदमी को पहले ये सोचना चाहिए कि वी ऑल आर इंडियंस, और खाली मैं भारतीयों को नहीं कह रहा, मैं तो कहता हूं काबुल से लेकर रंगून तक के लोगों का एक ही DNA है, और हमें अबव रिलीजन चल के नेशनलिज्म की तरफ आनी चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग भारत होगा ना, इतना हम सब स्ट्रॉन्ग होंगे। बिल्कुल, तमिल है चाहे वो बंगाली है, चाहे पंजाबी है, गुजराती है, सिंधी है, पख्तून है, जो भी हैं, जितना मान शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान को भारत में मिला है, कोई दिखाए पाकिस्तान में मिल सकता है? कहीं भी नहीं मिल सकता। बिल्कुल, और हम जो उनके फैंस हैं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये मुसलमान है, हमने सोचा अच्छे एक्टर हैं, वी लाइक देम, बात ही वही है। अब वो क्या करते हैं पर्सनल लाइफ में वो उनकी मर्जी है। मैंने भी ज्यादातर ये देखा है कि सलमान खान गणपति पूजा भी करते हैं, और इन्होंने भी एक इंडियन के तौर पे अपने आप को आगे किया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल, एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि एट द एंड ऑफ द डे रिलीजन इज अ वेरी पर्सनल थिंग, उसको आप पर्सनल ही रखें तो ऐसे नफरतें नहीं फैलेंगी। तो आरिफ भाई, उसी नोट पे बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला इस शो पे आने के लिए। मैं दोबारा आपको शो पे लेके आऊंगा, कभी हम बलूचिस्तान की डिटेल में बात करें, क्योंकि मुझे पता नहीं था, आई एम श्योर हमारे जो लिसनर्स हैं शायद उनको भी पता ना हो, तो आपसे हम ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे आरिफ भाई। तारिक फताह भाई बलूचिस्तान पे अथॉरिटी है,
मैंने भी तारिक भाई से बहुत सीखा है बलूचिस्तान के बारे में. He is an authority on Balochistan. So maybe I can get both of you on my show someday. कि last time आए थे हमने बलूचिस्तान की बात नहीं की थी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा goal इस show का यही है कि जो मैं guest लेके आऊँ मैं उनसे सीखूँ, and hopefully ये बातें करते करते जो लोग हमारी बातें सुन रहे हैं उनका भी थोड़ा एक परस्पेक्टिव बढ़े, हम ऐसे ना रहें, थोड़ा ऐसा खुल जाएं, तो ताकि नफरतें थोड़ी ओवरऑल कम हो जाएं. तो ऑन द नोट फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. और आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे कह रहा हूँ. ये मेरी बीवी ने हजामत बनाई है, हमारे यहाँ बार बार बंद है. तो बस ये दुनिया को मालूम पड़ चुका है कि आपकी बीवी ने बड़ा अच्छा काम किया है, उनको आप ये दिखा दीजिएगा और बता दीजिएगा. ऑल राइट सर, खुदा हाफिज. थैंक यू सर. थैंक यू. All right, so this was Big Baatcheet Room with Arif Aajakia, jinhone hame badi achhi achhi baatein batayi, and hopefully I can bring him again on the show to talk about some other topics as well. Aapko ye show kaisa laga zarur batayega, and my next show will be on the Uyghur Muslims in China, and I will have a guest who will give us a first-hand account of the atrocities happening in China. His own family members, about 20 of them, are possibly in concentration camps, and he was also in jail by the Chinese authorities. So खुश रहिए, आबाद रहिए, और तब तक के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आदियो, शब खैर, शुभ रात्रि, एंड टेक केयर.